नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में 25 मार्च को बारिश की संभावनाएं, कई इलाकों में बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। 22 से 24 मार्च तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, बादल छाए रहेंगे। 25 मार्च को फिर से बारिश होने की संभावना है। 26 मार्च को मौसम शुष्क रहेगा और बादल छाए रहेंगे, वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञानी के अनुसार 26 मार्च को रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, कोडरमा, बोकारो, हजारीबाग और रामगढ़ में हल्की बारिश के साथ वज्रपात की आशंका है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 25 मार्च तक राजधानी रांची का अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। वैसे अगले 7 दिनों में राजधानी के अधिकतम तापमान में वृद्धि हो सकती है। ऐसा अनुमान है कि तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 365। राज्य में पिछले 24 घंटे में मिले 123 नए संक्रमित। कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से झारखंड में पांव पसारना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटे में पूरे राज्य भर में 123 नए संक्रमित मरीज मिले। इनमें से 57 मरीज रांची से है, जबकि इससे पहले यह संख्या रोजाना कम होती थी। अब राज्य भर में एक्टिव मरीजों की संख्या 653 पहुंच गई। राजधानी रांची में यह संख्या 365 तक है। पूरे झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 121,055 हो गई। वहीं कोरोना को मात देने वालों की संख्या 119,307 है। कोरोना से अब तक 1,095 मरीज की मौत हो चुकी है। इधर राजधानी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रांची में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा अब तक 251 पर पहुंच गया है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन फिर से एक्टिव मोड में आ गया। छवि रंजन खुद सड़क पर उतर कर लोगों को मास्क पहनने की नसीहत दे रहे हैं। दूसरी ओर कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने वालों के कंटेंट ट्रेसिंग भी शुरू कर दी गई है। ट्रेसिंग में आने वाले लोगों की रिपोर्ट सिविल सर्जन को उपलब्ध कराई जा रही है। इसके बाद मोबाइल टीम द्वारा डोर टू डोर जाकर सैंपल कलेक्शन किया जा रहा है। रविवार को कहां से कितने मरीज मिले, आइए जानते हैं। बोकारो में 5, देवघर में 4, धनबाद में 8, दुमका में 3, पूर्वी सिंहभूम में 27, गुमला में 5, रांची में 57, साहिबगंज में 1, पश्चिमी सिंहभूम में 2 मरीज मिले हैं। खबर है झारखंड के हजारीबाग से। खुदाई के दौरान मिली 2 बुद्ध मूर्तियां चोरी, सुरक्षा में लगे 5 जवान सस्पेंड। बौद्ध धर्मावलंबी और पुरातत्व प्रेमियों के लिए चिंताजनक खबर है। बोहरनपुर में भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग की ओर से खुदाई में मिली 2 भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं शनिवार की रात चोरी हो गई। इस संबंध में भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग पटना के डायरेक्टर राजेंद्र देवरी ने बताया कि सुबह 6 बजे उन्हें बोहरनपुर में खुदाई स्थल पर तैनात जवानों ने सूचना दी कि वहां पर खुदाई में मिली भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमाएं, जो एक दूसरे के ऊपर जुटी थी और एक ही दीवार से चिपकी हुई थी, गायब है। चोर किन किन रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी जांच अब की जा रही है। फिलहाल भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग की ओर से काम कर रहे सभी कर्मचारियों के नंबर जुटाए गए हैं। वहीं जितने मजदूर काम कर रहे हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों ने बाहर से आए और बौद्ध भिक्षुकों के दल से भी बात की। उन्हें भरोसा दिलाया कि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। हजारीबाग के SSP कार्तिक एस ने इस बारे में कहा कि मूर्ति चोरों को शीघ्र बेनकाब किया जाए। फिलहाल वहां सुरक्षा में तैनात 5 पुलिसकर्मियों को कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही क्राउड फोर्स को लगा दिया गया है। पुलिस ने छानबीन तेज कर दी है। जिला की सीमाएं सील कर दी गई है। स्थानीय स्तर पर भी खोजबीन जारी है। पुलिस लोकल इनपुट पर भी काम कर रही है। झारखंड के कृषि मंत्री बोले, मोदी सरकार पर हमला, कहा फसल बीमा योजना के नाम पर कंपनी को लाभ पहुंचा रहा है केंद्र। पश्चिमी सिंहभूम जिला के मुख्यालय चाईबासा के फुटबॉल मैदान में आयोजित कृषि मेला में पहुंचे सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने रविवार को केंद्र सरकार और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पूर्व भाजपा सरकार की योजनाओं को बंद करने के विपक्ष के आरोप का जवाब देते हुए पत्रलेख ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा अपने आप में प्रतिष्ठित बीमा है। 2016 से 2018 तक झारखंड सरकार ने 493,49,00,000 रुपये राशि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जमा कराई, लेकिन बीमा कंपनी ने मात्र 79,69,00,000 रुपए का भुगतान किया, जबकि इन 3 वर्षों में औसत से अधिकतम 27% कम बारिश हुई थी। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि फसल बीमा योजना के नाम पर केंद्र सरकार बीमा कंपनी को लाभ पहुंचा रही है, लेकिन माल महाराजा और मिर्जा खेल होली नहीं चलेगा। हम झारखण्ड राज्य फसल राहत बीमा योजना लेकर आए, इसके लिए राशि का भी प्रावधान किया गया। कहा कि लॉकडाउन के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री से हमने झारखंड के किसानों को राहत के लिए गुहार लगाई, लेकिन अनसुना कर दिया गया। खबर है झारखंड के गोड्डा से। कोरोना को लेकर सार्वजनिक कार्यक्रम पर होगी रोक।
मुफस्सिल थाना परिसर में होली को लेकर शांति समिति का बैठक हुआ। बैठक के दौरान होली में सद्भावना व भाईचारे का माहौल बनाए रखते हुए होली मनाने का निर्णय लिया। साथ ही कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सादगी से होली पर्व मनाने की अपील की गई। साथ ही कहा गया कि इस बार कहीं भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। इस बाबत थाना प्रभारी जेके जायसवाल ने बताया कि इस बार होली को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क है, कहीं भी इस बार सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा जहाँ भीड़ होने की संभावना है। कहा कि शारीरिक व मास्क जरूरी है। वहीं पर और कहा कि इस बार होली में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जो डीजे संचालक होली को लेकर डीजे बुक करेंगे ऐसे संचालक पर कार्रवाई की जाएगी और डीजे को जब्त भी किया जाएगा। खबर है झारखंड के पाकुड़ से। सखुआ फूल के पूजन के साथ मनाया महापर्व। कुमार कालिदास मेमोरियल कॉलेज प्रांगण में रविवार को आदिवासी छात्र छात्राओं ने धूमधाम से महापर्व मनाया। इस दौरान नायकी शिवलाल सोरेन व कुड़ुम नायकी लुबिन हेमराम ने आदिवासी परंपरा के अनुसार सखुआ के फूल का पूजन किया। इसके बाद आदिवासी छात्र छात्राएं एक दूसरे को पानी डालकर नाच गान प्रस्तुत भी किया। छात्र छात्राओं ने महापर्व का लुत्फ बड़ी धूमधाम से उठाया। मुख्य अतिथि महिला कॉलेज के प्रोफेसर महेंद्र बेसरा तथा विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर दासमक्त किस्कू ने महापर्व के बारे में जानकारी दी। समाज में ऐसी मान्यता है कि सखुआ का पेड़ में देवी देवता विराजमान रहते हैं। सखुआ का पेड़ मानव जाति के लिए काफी उपयोगी है। इस मौके पर अध्यक्ष राफेल सोरेन, सचिव सकल मुर्मू सहित अन्य उपस्थित लोग थे। खबर है झारखंड के साहिबगंज से। प्रत्येक व्यक्ति लगाए एक पौधा तो कायम रहेगी हरियाली। साहिबगंज महाविद्यालय में विश्व वानिकी दिवस पर रविवार को सेमिनार सह विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त रामनिवास यादव, डीडीसी प्रभात कुमार बर्दियार, डीएफओ मनीष तिवारी ने गंगा संरक्षण एवं पौधारोपण के लिए आम लोगों व कॉलेज के छात्रों को प्रेरित किया। नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत जिला में 31 मार्च तक गंगा स्वच्छता पखवाड़ा पर विभिन्न कार्यक्रम हो रहा है। जिला गंगा समिति की ओर से आयोजित सेमिनार सह विचार गोष्ठी का उपायुक्त वन परमंडल पदाधिकारी मनीष तिवारी, उप विकास आयुक्त महाविद्यालय के प्रचार ने किया। उपायुक्त ने कहा कि किसी वयस्क व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है वह उसे 16 बड़े बड़े पेड़ों से मिल सकती है। समाज हर एक व्यक्ति अगर एक एक पौधा लगा ले तो पृथ्वी को फिर से हरा भरा बनाया जा सकता है। खबर है झारखंड के जमशेदपुर से। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बड़ा ऐलान, हर रविवार करेंगे स्वर्ण रेखा नदी की सफाई। जल दिवस से एक दिन पहले झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी रविवार सुबह स्वर्ण रेखा नदी की सफाई के लिए दो मुहानी तट पर पहुंचे। इस दौरान बन्ना गुप्ता ने स्वच्छता पुकारे टीम के संग अपनी टीम के साथ नदी के तहलट्टी की सफाई की, खुद भी श्रमदान किया और नदी की पेटी से पुराने प्लास्टिक के बोतल, पोलोथीन मूर्तियां के अवशेष और पुरानी बोतलों को निकाले। बन्ना गुप्ता ने घोषणा की कि वे प्रत्येक रविवार को नियमित रूप से इस अभियान से जुड़ेंगे। साथ ही सभी स्वयं सेवी संस्थाओं को इस अभियान से जुड़ने और अपने साथ 5-5, 10-10 लोगों को साथ लाकर स्वर्ण रेखा नदी की सफाई करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अभी हमारा फोकस नदी की पेटी को स्वच्छ बनाने की है, इसके बाद हमारी पहल होगी स्वर्ण रेखा नदी की पेटी फिर से प्रदूषित ना हो। खबर है झारखंड के हजारीबाग से। कोरोना योद्धाओं को किया गया सम्मानित। सीसीएल के ऑफिसियर्स क्लब चरही में दहेज मुक्त झारखंड संस्था के तत्वावधान में कोरोना योद्धा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम कोरोना महामारी के दौरान अगली पंक्ति में खड़े होकर महामारी के खिलाफ योद्धा की तरह मुकाबला करने वाले महिला पुरुषों को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त अभय कुमार सिन्हा तथा विशिष्ट अतिथि सीसीएल महाप्रबंधक नीरज कुमार सिन्हा थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता दहेज मुक्त झारखंड के महासचिव सिद्धू मिश्रा व संचालन जिला अध्यक्ष बीना मिश्रा ने किया। आगे कहा कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, कोविड नियमों का पालन करते हुए अपने कार्य को करते हुए आगे बढ़ना है। विशिष्ट अतिथि सीसीएल जीएम नीरज कुमार सिन्हा ने कहा कि महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ यह संस्था कार्य कर रही है, इससे समाज में फैल रहे कुरीतियों पर विराम लग सकेगा। किसानों को खेती बाड़ी के लिए सरकार देगी एक जोड़ा बैल। झारखंड के कंपनियों में स्थानीय युवकों को एक तिहाई रोजगार मिलेगा, जबकि किसानों को खेती बाड़ी करने के लिए सरकार एक जोड़ा बैल भी देगा। उक्त बातें रविवार को श्रम एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने टंडवा में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा। स्थानीय नगर भवन में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ग्रीन राशन कार्ड वितरण समारोह का भी आयोजन किया गया। समारोह के बतौर मुख्य अतिथि झारखण्ड सरकार के श्रम नियोजन एवं कौशल विकास मंत्री ने भाग लिया।
कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन माननीय मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मंत्री द्वारा गरीबों के बीच ग्रीन राशन कार्ड का वितरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर पूरे राज्य में 15 लाख राशन कार्ड बनवाया जा रहा है। सभी जरूरतमंद परिवारों को ग्रीन राशन के माध्यम से राशन मिलेगा। उन्होंने कहा कि गरीबों को सरकार अप्रैल माह से एक जोड़ा बैल खेतीबाड़ी के लिए भी देगा। झारखंड के 32 स्कूलों को CBSE की दिलाई जाएगी मान्यता। 23 मार्च को होगा ऑनलाइन आवेदन। राज्य के 32 लीडर स्कूलों को CBSE की मान्यता दिलाई जाएगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। नए शैक्षणिक सत्र को संबंधित लीडर स्कूलों में CBSE की मान्यता देने की अपील CBSE से की जाएगी। उम्मीद है कि नए शैक्षणिक सत्र में 80 स्कूलों को लीडर स्कूल के रूप में विकसित कर दिया जाएगा। इनमें से 32 स्कूलों को पहले चरण में CBSE की मान्यता दिलाई जाएगी। जिन 32 स्कूलों को CBSE की मान्यता दिलाई जाएगी, इनमें से 24 जिलों के जिला स्कूलों के अलावा 7 जिला हजारीबाग, साहिबगंज, गिरिडीह, रांची, लातेहार, दुमका और पश्चिमी सिंहभूम के एक एक मॉडल स्कूल समेत रांची का TVS हाई स्कूल शामिल है। CBSE की टीम संबंधित स्कूलों को निरीक्षण करेगी। स्कूलों की मानकों में कमी रहने पर इसे पूरा करने का निर्देश दिया जाएगा। लीडर स्कूल के लिए शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया भी जारी है और इस माह के अंत तक शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बाबूलाल मरांडी बोले, कृषि कानून पर झारखंड विधानसभा में चर्चा असंवैधानिक। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने नए कृषि कानून पर विधानसभा में सोमवार वाद विवाद को असंवैधानिक बताया है। रविवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने स्पष्ट कहा कि कृषि बिल का अब कानून बन गया है। लोकसभा और राज्यसभा से पास कृषि कानून पर बहस कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा के विधायक सोमवार को विधानसभा में इस विषय पर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार में किसानों के प्रति कोई दर्द नहीं है, ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस को एहसास हो चुका है कि देश की सत्ता में वे कभी वे नहीं लौटेंगे। यही कारण है कि कई मुद्दों पर बेवजह विरोध दर्ज करा रहे हैं। कृषि कानून पर चर्चा करा लोकतंत्र में गलत परिपाटी की शुरुआत कर रहे हैं। इसके साथ ही आज के समाचारों बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।